प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। भाई बरनबास ने बहुत ही प्रभावी तरीके से ये बात स्पष्ट की कि किस तरह से उन्होंने इस बात को पहचाना कि मनुष्य जिस रास्ते जा रहा है उस रास्ते यदि वो चलता रहेगा तो उसका अंत शाश्वत विनाश है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इवन दुनिया इस बात को समझती है कि मनुष्य यदि अपनी इच्छा के अनुसार अपने बनाए हुए रास्तों पर चलता रहेगा तो शाश्वत विनाश के रास्ते पर ही वो जाएगा। इस बात को पहचान कर भाई बरनबास ने अपने पापों का इलाज किया। प्रभु यीशु के पास जाकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मुझे पापों से क्षमा प्रदान कीजिए। प्रभु ने तत्क्षण उनको क्षमा प्रदान की, जिसकी खुशी तब से लेकर आज तक उनके जीवन में है, वही खुशी भाई संतोष के जीवन में है। मैं कविता को टोक रहा था, वही खुशी उसके जीवन में है, मेरे जीवन में है। यहाँ हम लोग इसके जितने कर्ता धर्ता लोग हैं, हम सब के जीवन में यही खुशी है। और हमारी सबसे बड़ी इच्छा इस सभा के बारे में, सबसे बड़ी इच्छा ये है कि इस सभा में जितने भाई और बहन लोग आते हैं, वे लोग भी अपने आत्मिक जीवन में इसी खुशी, शांति और निश्चय का अनुभव कर सकें। इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए इस सभा के बाद मुझसे या भाई बरनबास से या भाई संतोष से या भाई जेफरी से या पीछे और भी कई लोग हैं, इन लोगों से संपर्क कर ले। अपन सब पिछले कई महीनों से प्रभु के वचन में यूहन्ना की पहली पत्री का अध्ययन कर रहे थे। आज यदि पहली बार कोई आया है या आज जो आए हैं उनमें यदि कोई पहली बार आया है तो यहाँ सामने जो ग्रंथ रखे हुए हैं इनको गिफ्ट के रूप में ले लें। बोडो भाषा में है, हिंदी में है, उड़िया में है और बंगाली भाषा में यहाँ रखे हुए हैं, इनको ले लें और मैं जो पोर्शन बोल रहा हूँ उसको खोल कर पढ़ लें। यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय, जैसा मैं बार बार याद दिलाता हूँ, आपके पास जो हिंदी बाइबल है उसमें पेज 332 और ये जो ग्रंथ है इसमें 364, पेज 364। इसमें आप अध्याय के अंदर अंदर 1, 2, 3, 4 वगैरह देखेंगे। धार्मिक ग्रंथों को अक्सर श्लोकों में बांट दिया जाता है, उसी तरह से बाइबल को इस तरह से टुकड़ों में बांटा गया है जिससे पढ़ने में आसानी हो। इसमें से शुरू के 4 पद या उर्दू में बोलें तो 4 आयत या 4 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम 5वें श्लोक का या 5वें पद का अध्ययन करेंगे, जहां हम पढ़ते हैं, जो समाचार हमने उससे सुना या जो समाचार हमने उनसे सुना,
प्रभु यीशु के बारे में है, इसलिए मैं आदर सूचक शब्दों का ही प्रयोग करूँगा। जो समाचार हमने उनसे सुना, मतलब जो समाचार हमने प्रभु से सुना, वो तुम्हें सुनाते हैं। इसके शुरू के चार जो श्लोक हैं या पद हैं, उन चार पदों में हमने ये देखा था कि जिस महान लेखक ने, जिस संत ने इस ग्रंथ की रचना की थी, उस संत ने इस जगत के मुक्तिदाता यीशु को, या अपन उत्तर भारत में ईसा बोलते हैं, उस संत ने ईसा को अपनी आँखों से देखा था। इस संत को प्रभु ईसा के साथ चलने, फिरने, बैठने, वार्तालाप करने, उनकी शिक्षाओं को सुनने, एक साथ भोजन करने, इवन स्पर्श करने का अवसर मिला था। उसका विस्तार शुरू के चार पदों में हमने पढ़ा। उसके बाद वे संत हमको बताते हैं कि जो संदेश हमने उनसे, मतलब प्रभु से सुना और तुमको सुनाते हैं। इसके पहले कई बार मैं बता चुका हूँ कि जब हमको जीवन में आनंद देने वाली कोई चीज मिलती है या मिलता है, तो हम उस खबर को अपने आप तक नहीं रखते हैं, बल्कि वो खबर जाने अनजाने दूसरों को दे देते हैं। मैंने खुद देखा है, मैं जिंदगी भर एक अध्यापक रहा हूँ, पहले स्कूल में पढ़ाता था, उसके सबसे आखिर में मैं यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, उसके बाद तमाम सारे बाइबल स्कूल्स में पढ़ाया। स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, बाइबल स्कूल हो, वहाँ परीक्षा जरूर होती है, और जहाँ परीक्षा होती है वहाँ रिजल्ट जरूर आता है, और जहाँ रिजल्ट आता है वहाँ 100% से लेकर 0% तक विद्यार्थियों को मिलता है। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है या रिजल्ट की घोषणा होती है, उस दिन यदि आप किसी एक कोने में खड़े होकर आने जाने वाले विद्यार्थियों पर नज़र डालें, तो उनके चेहरे से अनुमान हो जाता है कि किसका रिजल्ट अच्छा आया है। क्यों? इसलिए कि वे बड़ी खुशी के साथ, बड़े जोर शोर से एक दूसरे के साथ बोलते चले जाते हैं, और रास्ते में यदि कोई मिले तो उसको टोक कर बताते हैं, भैया हमारा रिजल्ट आ गया, हम फर्स्ट क्लास में पास हो गए। खुशी की खबर जब मिलती है, तब हम में से कोई भी व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है। वाकई में खुशी की खबर मिलती है तो हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसको रोक रखे, बल्कि दूसरों के बारे में खुशी की खबर मिले तो भी हम अपने आप को रोक नहीं सकते। मुझे अभी भी याद है, हम लोग MSc करने के बाद सारी मित्र मंडली हफ्ते में एक बार हम लोग यूनिवर्सिटी में मिलते थे एक दूसरे से के साथ चाय पानी के लिए। MSc में विद्यार्थी कम होते हैं, इसलिए आपस में बड़ी घनिष्ठ मित्रता होती है। एक बार क्या हुआ, हम इस तरह से चाय पीने के लिए यूनिवर्सिटी के बाहर, चाय की दुकान थी, चाय पी रहे थे, तो यूनिवर्सिटी से एक कर्मचारी दौड़ा हमारे पास आया, आके बोला कि हम चार मित्रों से एकदम से बोला, आप सब पास हो गए हैं, अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। उसके बाद उस एक शख्स ने एक बात जो कही, वो सुन के हम सब के दिलों में बड़ी खुशी आई। उन्होंने कहा कि भैया बधाई हो, तुम चार मित्रों ने यूनिवर्सिटी में पहले 4 पोजीशन हासिल कर लिए हैं।
मतलब हम में से एक व्यक्ति यूनिवर्सिटी में टॉप था, दूसरा उसके पीछे था, तीसरा उसके पीछे था, चौथा उसके, मतलब चारों यूनिवर्सिटी के टॉप चार विद्यार्थी निकले जब रिजल्ट आया। उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसने तो एग्ज़ाम नहीं दिया था, एग्ज़ाम तो हमने दिया था। लेकिन हमारा शुभ चिंतक, हमसे स्नेह करने वाला एक कर्मचारी होने के कारण, जैसे ही वो लोग रिजल्ट को फाइनल चेकिंग कर रहे थे, तब उसने देखा कि अरे बाप रे, चार लोगों की मित्र मंडली, इन चारों ने यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप चार पोजीशन हथिया लिया है। और इसलिए जब उसने देखा कि यूनिवर्सिटी की सीमा पर वो चाय की दुकान में बैठे हम लोग चाय पी रहे हैं, तो दौड़ा दौड़ा आया। लेकिन वापस जाने से पहले उसने एक अनुरोध किया कि ये टॉप रहस्य है, आप ये किसी को अभी बताना मत, रिजल्ट जब वाइस चांसलर के सिग्नेचर हो जाएंगे उसके बाद ही डिक्लेयर करेंगे, घोषित करेंगे। फाइनल चेकअप में मैंने देखा, मैं अपनी खुशी रोक नहीं पाया। ये एक उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि मेरे आपके जीवन में जब कोई खुशी की बात होती है तब तो हम उसे छुपा नहीं पाते। इवन हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जिससे हमारा स्नेह है, उस व्यक्ति की यदि कोई भलाई होती है तो भी हम अपनी खुशी छुपा नहीं पाते हैं। तो जब हम, क्या है एमएससी, क्या है, कल मैं दुनिया छोड़ जाऊंगा तो मेरे एमएससी के सर्टिफिकेट का क्या होगा, मेरे बच्चे अचार डालेंगे क्या? बल्कि होगा क्या कि किसी कोने में पड़ा रहेगा, कल को जब मकान की साफ सफाई होगी तब रद्दी के साथ वो बिक जाएगा, कोई बचा के नहीं रखता है। मैंने खुद देखा है, मेरे पापा आज से 50 साल पहले जो सर्टिफिकेट हमको दिखाया करते थे बहुत ही गर्व के साथ कि बेटा मैंने ये पास किया, ये पास किया है, पापा 93 के हो गए, अभी गुजरे नहीं हैं, 93 के हैं, हमारे साथ हैं, उन सर्टिफिकेट का कोई पता नहीं है, कब के वे रद्दी के साथ बिक चुके हैं। तो जिस चीज़ का कोई शाश्वत, जिसकी कोई कीमत नहीं, कीमत है, मैं ये नहीं कह रहा कि 10th 12th BSc MSc वगैरह के सर्टिफिकेट की कीमत नहीं, ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों की कोई, जिनका कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, उसके बारे में जो उसको पाता है वो तो खुश होता है और जो उसको देखता है वो भी खुश होता है। तो यदि ऐसा है तो मेरे आपके जीवन में यदि ऐसी कोई खुशी की बात है जो हमने प्राप्त कर लिया है या जो प्राप्त कर सकते हैं, जो शाश्वत खुशी की बात है या जिसका मूल्य शाश्वत है, तो कितनी अधिक खुशी हमारे मनों में आनी चाहिए। ये यूहन्ना नाम के संत ने ये जो लिखा है उसका मतलब ये है, हमने सुना तुमको सुनाते हैं, क्या सुना, क्या सुनाते हैं, हमने शाश्वत जीवन का संदेश पाया, संदेश पाने के कारण हमने शाश्वत जीवन पाया। शाश्वत कितने साल में खत्म होता है, शाश्वत, अरे खत्म होना है तो शाश्वत कैसा, खत्म होना है तो वो तो नश्वर है। शाश्वत का मतलब है जो चीज अनश्वर है, जो कभी भी नाश नहीं होता, वो शाश्वत है। शाश्वत का विपरीत क्या है, क्षणिक। नश्वर का विपरीत क्या है, अनश्वर। क्षणिक का विपरीत क्या है, शाश्वत। तो वे संत हमको ये बताते हैं कि देखो, हमने उस शाश्वत जीवन का संदेश पाया, बल्कि हम इतने धन्य हैं कि मनुष्यों के लिए ये शाश्वत जीवन लेकर और मनुष्यों को ये शाश्वत जीवन देने के लिए प्रभु जब इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आए, तब हमने अपनी आँखों से उस प्रभु को देखा, अपने कानों से सुना,
यहाँ तक कि एक साथ जब चलते फिरते खाते पीते थे तब अपने हाथों से स्पर्श किया। उस प्रभु ने हमको जो शाश्वत जीवन दिया है और शाश्वत जीवन का संदेश दिया है वो हम तुम लोगों को बताना चाहते हैं। क्या है वो संदेश? वो संदेश एक वाक्य में नहीं बताया जा सकता है, इसलिए प्रभु के इस महान संत ने चार पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से एक अति विशाल पुस्तक है, यूहन्ना द्वारा लिखित शुभ संदेश कहलाता है। उसके अलावा तीन लंबे लंबे पत्र लिखे, जिसमें से पहला पत्र हम अभी देख रहे हैं। इवन ये पत्र अपने आप में इतना लंबा है कि इसको 5 अध्यायों में बांटना पड़ा। तो वो शुभ संदेश जो हमने देखा, जिसका अनुभव किया और जो हमारे जीवनों में शाश्वत जीवन लाया है, उनके बारे में आज जो बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रकाश है। परमेश्वर शब्द जनरली हम में से कम लोग ही यूज़ करते हैं। सामान्यतया ईश्वर या भगवान शब्द का उपयोग करते हैं। तो सवाल यह है कि यहाँ पर परमेश्वर क्यों लिखा गया है? एक्चुअली हिंदी में जो सर्वोन्नत है उसको परम कहा जाता है। हिंदुस्तान में वीरता प्रदर्शन के लिए जो सबसे ऊंचा चक्र दिया जाता है उसका नाम क्या है? आशीष, जनरल नॉलेज होना चाहिए, कौन सा चक्र दिया जाता है? वीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र? नहीं, कविता। ये दोनों विद्यार्थी हैं इसलिए मैं इनको पकड़ रहा हूँ, बाकी लोग तो नौकरीशुदा हैं इसलिए मैं उनको छोड़े जा। जनरल नॉलेज बेटा पढ़ लेना, कल नौकरी के लिए जाओगे तो अच्छी नौकरी चाहिए तो वहाँ जनरल नॉलेज जो है ज़रूरी होगा। इंडिया में वीरता के लिए जो चक्र दिए जाते हैं उसमें सबसे उन्नत चक्र है, मैं बोल चुका हूँ इसके बाद तुम लोगों को याद क्यों नहीं आया, परम वीर चक्र। परम का मतलब है सबसे उन्नत, उसके बाद और कुछ नहीं है। वो शब्द परम जब ईश्वर के साथ जोड़ दिया जाता है, इन दोनों के संयोजन से परमेश्वर शब्द बनता है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है। और पवित्र बाइबल में इस शब्द का उपयोग बार बार इसलिए किया गया है जिससे कि हम इस बात को समझ लें कि इस विश्व के सृष्टिकर्ता मतलब सृजनहार, तारणहार जो उद्धार करते हैं, पालनहार जो उसका पालन करते हैं, हम उस परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं। हिंदी में इस तरह से बोलना एक और कारण से जरूरी हो गया है। अपन हिंदी भाषी लोग हमेशा दूसरों के साथ बहुत इज्जत के साथ पेश आते हैं। इस कारण मैं जिस इलाके से आया हूँ, चंबल, वहाँ पर कई बार पति लोग अपनी पत्नी को परमेश्वर या भगवान बोलते हैं। मैंने बहुत बार सुना है कि अरे भगवान तुम अब बाथरूम से निकलोगी या नहीं निकलोगी, तो उसका जवाब होता है कि घंटे भर से तो कह रही हो कि 5 मिनट में निकल रही हूँ। तो चूंकि भगवान, ईश्वर आदि शब्द कई बार अपन लोग सामान्य व्यक्तियों के लिए भी यूज़ करते हैं, इस कारण हिंदी बाइबल में ईश्वर शब्द के बदले परमेश्वर शब्द का उपयोग किया गया है। प्रभु का वचन यह कहता है कि परमेश्वर ज्योति है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि भाषा में एक विशेष प्रकार का प्रयोग होता है जिसे अपन अलंकार बोलते हैं। अलंकार का मतलब है एक चीज को दिखाने के लिए दूसरी चीज का वर्णन। यदि कहा जाए कि शेर जैसा दिल है,
या हमारे पापा शेर के समान दहाड़े, तो उसका मतलब ये है क्या कि पापा जानवर बन गए थोड़े समय के लिए? नहीं, बल्कि हमारे कहने का मतलब यह है कि शेर दहाड़ता है तो सुन के जो है वो दिल जो है बुरी तरह से धड़कता है। उस दिन पापा भी ऐसे ही रौबदार आवाज में हमारे विरुद्ध चिल्लाए। इस तरह की भाषा को अपन आलंकारिक भाषा बोलते हैं। तो आलंकारिक भाषा में उस महान संत ने लिखा, परमेश्वर ज्योति है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में परमेश्वर परम पवित्र हैं, हर तरह से परम है। उनकी पवित्रता परम है, उनका स्नेह परम है, सब कुछ परम है और उनमें कोई भी अंधकार नहीं है। यहाँ अंधकार ये जो बाहर आज अंधेरा दिख रहा है उसके बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि यहाँ पर अंधकार का मतलब है ऐसी कोई चीज नहीं है जो सर्वोत्तम के विपरीत है, परम के विपरीत है। सवाल यह है कि इस प्रस्ताव का क्या मतलब है? इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि दुनिया के सृजनहार, पालनहार, तारणहार प्रभु के पास हम में से कोई भी व्यक्ति सीधे नहीं जा सकता है। परमेश्वर के पास जाने की छोड़िए, भाई यहाँ पे जितने विद्यार्थी हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, तुम में से कौन है जो अपने हेडमास्टर के या प्रिंसिपल के कमरे में धड़धड़ाते हुए घुस जाए, मैं आपसे चार शब्द बोलने के लिए आया हूँ? वो एक शब्द भी बोल नहीं पाएंगे, उसके पहले चपरासी उठा के तुमको बाहर फेंक देगा। मैंने तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में काम किया इसलिए मैं जानता हूँ। जो लोग नौकरी करते हैं, खासकर यदि आपका बॉस तेज तर्रार हो, तो आप में से कितने लोग हैं जो जाके देखो मैं कह देता हूँ तनख्वाह बढ़ा दो नहीं तो मैं लात मार के चला जाऊँगा या जो है गला दबा के तुमको जो है बाहर कर दूँगा? है क्या हम में से कोई इस तरह से माई का लाल जो इस तरह की भाषा में अपने ऊपर से ऊपर जो व्यक्ति उससे बोल सके? नहीं। मुझे अभी भी याद है जब हम BSc में पढ़ते थे तब हमारे एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, ऐसी धीमी आवाज में बोलते थे जैसे कि मच्छर भिनभिना रहा हो। लेकिन जैसे ही बरामदे में उनकी छाया दिख जाए तो ऐसे भागते थे लड़के, ऐसे भागते थे कि हम लोग कहते थे कि नारायण सिंह जी यदि बरामदे में आ जाए तो भूत प्रेत भी डर के मारे भाग जाते हैं। जिसके पास अधिकार है उसके सामने, जिसके हाथ में अधिकार नहीं है वो खड़ा नहीं हो सकता। संसार के सृजनहार जिन्होंने सृष्टि की है, पालनहार जो पालन करते हैं, तारणहार जो मुक्ति देते हैं या उद्धार देते हैं, जो प्रकाश है मतलब जो पवित्र से पवित्र है, उस व्यक्ति के सामने, उस सृष्टिकर्ता के सामने, जरा बताएं आज यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं हम में से किसी व्यक्ति की योग्यता है क्या? है क्या किसी की योग्यता? ईमानदारी से यदि हम सोचें तो हम अपने बॉस के सामने जो है छाती ठोक के खड़े नहीं हो सकते, हम अपने प्रिंसिपल के सामने नहीं खड़े हो सकते। तो इस सारे विश्व के सृजनहार, पालनहार, तारणहार के समक्ष नहीं खड़े हो सकते, इसलिए कि हम तो सृष्टि है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और है जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो ये है कि परमेश्वर प्रकाश है, हमारा जीवन अंधकार से भरा हुआ है। क्यों? मैं अभी बताए देता हूँ, बच्चे कहेंगे कि आज तो शास्त्री अंकल हमारी खिंचाई कर रहे हैं। आशीष,
तुमने तो जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की होगी, है ना? की है, अब तुम्हारी दीदी को पकड़ते हैं। कविता तो जलेबी के समान सीधी है, तुमने भी कभी कोई गलती नहीं की है ना? की है। हाँ, बच्चों को इसलिए पकड़ रहा हूँ कि कल को ये भूल जाएंगे कि शास्त्री अंकल ने टोका टाकी की थी, हमारी टांग खींची थी। कोई बात नहीं, मैं तो बच्चा नहीं हूँ, मैं तो नाना हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं तो तुम लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा शरारती था। हमारे पापा तो बेल्ट उतार के हमारी मरम्मत किया करते थे, और जब बेल्ट टूटने लगे तो फिर पापा ने बिजली के तार जो हैं उसके डेढ़ डेढ़ फुट के टुकड़े जो है वो घर में कीलों पे टांगना शुरू कर दिया था, जिससे कि जहाँ पिटाई करनी है वहाँ हाथ बढ़ाया तो इस तरह से हमारे पापा ने हमको जलेबी से बांस के समान सीधा किया था। इस दुनिया में ऐसा कोई तो अब तो सेटिस्फैक्शन हो गया ना कि हमने तुम्हारी टांग खींची, लेकिन मैंने ये बता दिया कि मैं भी तुमसे बेहतर नहीं, बहुत बहुत ही वाहियात चीज था। ये मनुष्य का स्वभाव है। एक बात बताओ बच्चों, बड़े लोग भी ये बताएं, हम में से कोई व्यक्ति जानबूझकर बुरा बनना चाहता है क्या? जानबूझकर नहीं, हम में से कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुरा नहीं बनना चाहता है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो पैदाइश से उसका झुकाव बुराई की ओर है, पैदाइश से। और इस कारण हमारे अंदर सच कहा जाए तो अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें से पता नहीं कभी कोई किसी को विजिट करने के लिए जेल गया या नहीं गया। मैंने केरल में लगभग सभी जेलों को विजिट किया है। मेरे एक मित्र, उनको सरकार ने लाइसेंस दे रखा था कि आप हर जेल में जाएं और उनको आत्मिक शिक्षाएं दें। तो आज से कुछ साल पहले की बात है, जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, जरा देखो कि अपने जेलों में क्या होता है। वहाँ गए तो देखने में एक से एक सीधे सादे, एकदम से देखने में भयानक लोग भी थे, लेकिन एक से एक सीधे सादे ऐसे लोग भी थे। एक आदमी को देख के हमको बड़ी दया आई। मेरे वो जो अंकल मुझे ले गए थे, उन्होंने पूछा कि तुम काहे के लिए यहाँ जेल में हो, तो बोला मैं हत्या के अपराध में हूँ। अरे, उन्होंने कहा तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम एक भले आदमी हो। बोला कि माई बाप, जिंदगी भर मैंने सिर्फ भला ही भला किया, लेकिन एक दिन गुस्सा आया तो वो जो यहाँ केरल में पेड़ काटने के लिए वो जो बड़ा वाला जो चाकू होता है ना, जिसे विट गति बोलते हैं, जिससे पेड़ काटे जाते हैं, मैंने विट गति उठाया और गले पे वार किया, ख़त्म कर दिया अपनी बीबी को। अंकल ने फिर से पूछा, तुम्हारा इसके पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं है? तुम कभी पत्नी से मारपीट? नहीं नहीं, मैंने कभी पत्नी से मारपीट नहीं, कभी कुछ नहीं किया। लेकिन उस दिन गुस्सा आया, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मैंने वो धारदार हथियार लेके उसके सीधे गले पे वार किया, मर गई। और वो हमारे सामने बहुत रोया। वो अपराध करना नहीं चाहता था, वो पेशेवर अपराधी नहीं था। इस घटना को आज 45 साल हो गए हैं जब मैं उन भाई के साथ जेल गया था। 45 साल के बाद भी उस व्यक्ति का चेहरा मेरे मन में अभी भी है, और जिस तरह से हाथ जोड़कर वो फूट फूट कर हमारे सामने रोया था, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने इवन एक मच्छर को नहीं मारा,
लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एक बार मैंने पत्नी का काम तमाम कर दिया। जानते हैं इसका कारण क्या है? हम में से हर व्यक्ति के मन में पाप छुपा हुआ है। हमको अच्छे परिवार में जब जन्म मिलता है तो बचपन से अच्छी शिक्षाएं मिलती है, इसके कारण वो पाप नियंत्रण में रहता है लेकिन समाप्त नहीं होता है। नियंत्रण में रहते हुए भी जब उसके लिए अवसर मिलता है तो हम पाप में फंस जाते हैं। पढ़ाई नहीं की, एग्जाम का समय आया, किसी ने बताया भैया पेपर आउट हो गया है और 100 रुपये में बिक रहा है, तो जाके पेपर खरीद लाए, जो कि हिंदुस्तान में बहुत भयानक अपराध है। वहाँ से लेकर तमाम तरह की बातें हैं जहाँ हम चाहते ना चाहते हुए उसमें फंस जाते हैं। इसका मूल कारण क्या है? नीम के जो ब्रांचेस है उसको तो हम में से सबने मुंह में डाला होगा। हम तो बचपन में नीम से ही दांत साफ करते थे। अच्छा, नीम का जो फल होता है वो भी हम में से सभी ने मुंह में डाल के देखा है। पक जाता है उसकी बात नहीं कर रहा, कच्चा कितना कड़वा होता है। क्यों कड़वा होता है? कोई उसमें कड़वाहट मिलाता है क्या? नहीं, वो उसका स्वभाव है। उसी तरह से मेरा आपका जो स्वभाव है, जिसको लेकर हम अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, पापमय स्वभाव है। प्रभु का वचन यहाँ स्पष्टतया बताता है कि प्रभु परम पवित्र हैं और हम घोर पापी हैं। एक घोर पापी परम पवित्र प्रभु के पास नहीं जा सकता। इसलिए आज से 2000 साल पहले प्रभु ने मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में जन्म लिया। 12 चेले चुने, जिनमें से एक शिष्य ने इस महान ग्रंथ को लिखा। वो शिष्य बताते हैं कि देखो, प्रभु में किसी भी प्रकार का पाप नहीं है और हमारे अंदर किसी भी तरह की अच्छी बात नहीं है। आगे क्या करें वो इसके पहले बोल चुके हैं, प्रभु मदद करेंगे तो हम अगले हफ्ते उसको विस्तार से देखेंगे, लेकिन आज मैं क्लोजिंग में बताना चाहता हूँ। इसलिए कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि भाई बरनबास ने उसकी रूपरेखा ऑलरेडी हमको दे दी है कि जब तक हम उस प्रभु के पास जाकर उस शाश्वत जीवन को नहीं पा लेंगे, तब तक हम उस घोर भयानक पाप की अधीनता में रहेंगे। आज से 65 साल पहले ये संदेश सुनकर, वहीं घुटने टेक कर, मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। तब से मुझे मेरे मन में इस बात का यकीन है कि जिस दिन मैं इस संसार को छोड़ जाऊंगा, उस दिन मैं शाश्वत काल के लिए प्रभु के पास चला जाऊंगा। आपको ये यकीन है क्या? जिन जिन को ये यकीन नहीं है वो हम में से किसी न किसी से बात कर लें। जो भाई बहन आज जिन्होंने इस शाश्वत जीवन को पा लिया है और जो लोग इस संदेश को सुन रहे, उनसे मैं एक बात, कम से कम एक बात कहना चाहता हूँ। आज भाई बरनबास ने गवाही में एक बात कही जिसने तुरंत मेरे हृदय को स्पर्श किया। उन्होंने एक रंग बिरंगा पर्चा देखा, वो इतना आकर्षक था कि जमीन पर पड़े उस पर्चे को उठाकर उन्होंने जेब में डाल लिया। वो पर्चा उनको शाश्वत जीवन देने का कारण बन गया। इसके आधार पर मैं सभी भाइयों और बहनों को याद दिलाना चाहता हूँ कि वे जहाँ भी जाएं अपने साथ इस तरह के संदेशों के पर्चे जरूर रखा करें। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से मिलेंगे? अरे, संदेशों का बड़ा भंडार हमारे भाई जफरी के हाथ में है,
वो थैलियाँ लेके कहीं भी जाते हैं उसके अंदर से आप जो है कितना भी चाहें बरामद कर सकते हैं, या मुझसे बोल दें मैं आपको लाके दूंगा। हाँ, एक चीज़ जिसने उनको आकर्षित किया वो ये है कि वो बड़ा रंग बिरंगा था, इसलिए इस बात को याद रखें कि आकर्षक पर्चा अपने पास रखें। हिंदी भाषा में इस समय काफ़ी आकर्षक एक पुस्तक है जिसका नाम है, जिसका टाइटल है दुनिया का सबसे अनोखा प्रेम। मैंने और शास्त्री सनीश ने मिलकर उसकी रचना की है। अगले हफ्ते प्रभु ने मदद की तो मैं कुछ कॉपी यहाँ लाऊंगा, आप लोग अपने साथ दो चार कॉपी जरूर लेके जाएं और अपने मित्रों को दें। वो तो 48 पन्ने का बेहद रंग बिरंगी पुस्तिका है, बच्चों के लिए लिखी गई है लेकिन बड़े उसको पहले पढ़ते हैं, उसकी वैल्यू को समझें। तो यहाँ पर जितने उद्धार पाए हुए लोग हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आकर्षक साहित्य दूसरों को देना अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। मेरे लिए तो मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। मैं घर से हफ्ते में एक बार परचेजिंग के लिए जाता हूँ, सुबह 10 बजे निकलता हूँ तो 1:30 तक सब कुछ खरीदारी करके आता हूँ। इस एक ट्रिप में 25 से 50 पुस्तकें जो है मैं लोगों के हाथ में रख देता हूँ, कितनी खुशी से लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो आप चाहे 25 से 50 ना कर सकें 10 तो कर सकते हैं, और ये सब उपलब्ध है। इसलिए आज जितने बॉर्न अगेन लोग इस ऑडियंस में हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो शुभ संदेश हमने सुना है ये दूसरों को ना सुनाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी बहाना नहीं है। इन बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए और अपने जीवन में व्यवहार में लाने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।